जूले एंड सलाम टू ऑल. आज कल हम क्या पढ़ रहे थे, हम एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हमने चार मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, और आज हम जो बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो मेथड है, वो है मोल फ्रैक्शन. तो बच्चों, मोल फ्रैक्शन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक हमारा मेथड है एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए. तो आपको इस क्वांटिटी को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस क्वांटिटी के बेस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, और करना होगा आप लोगों को भी. फिर इसी क्वांटिटी को हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसी में इसी क्वांटिटी का यूज़ होगा. तो इस क्वांटिटी को आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. ऑलराइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम. मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको डिनोट किया जाता है इसको सिंबल एक्स से. ऑलराइट, डिनोटेड बाय, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय सिंबल एक्स. अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी. आई हैव दिस सॉल्यूशन वेयर आई हैव द कॉम्पोनेंट्स ए एंड बी. अब इसमें हमें सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है? ए एंड बी दोनों हैं इसमें. ऑलराइट, अब मोल फ्रैक्शन क्या बताते हैं हमें? सपोज मुझे ये निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालना है हमें, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होते हैं. ऑलराइट, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है बच्चों कि एक्स. अब एक्स क्या है? एक्स हमें बताते हैं मोल फ्रैक्शन, और ए कॉम्पोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन बताते हैं. तो इसको लिखा ऐसे जाता है. ऑलराइट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. यानी कि इस फॉर्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. यानी कि ये क्या बताते हैं? हम एक फ्रैक्शन बताते हैं, यानी कि एक रेशियो बताते हैं कि इसमें टोटल, इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उस टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ए का कितना मोल होगा. सिमिलरली बी का मोल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. सिंपल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. अब नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे डिनोट किया जाता है? सिंबल एन से डिनोट किया जाता है. तो सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. यानी कि सिंपली एन टेल्स अस व्हाट नंबर ऑफ मोल्स. ऑलराइट, तो सिमिलरली इसका क्या होगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. ओके, तो अभी हमने क्या सीखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने सीखा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ the solution. Similarly, x b हमें निकालना हो तो number of moles of b upon number of moles of a plus b. All right. अब इसमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फिर हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए. तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को भी निकलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इसका फॉर्मूला है गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सपोज इसमें, इस सॉल्यूशन में हमारा ए सॉल्यूट है एंड बी सॉल्वेंट है. ऑलराइट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकलना है. तो एक क्वेश्चन हमें दिया होगा, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकलना हो तो उसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें हमें एक मास दिया होगा. तो उस मास को हम लेंगे गिवन मास, इस टर्म के लिए वो मास लेंगे, और मोलर मास जो भी सॉल्यूट है. फॉर एग्जांपल मेरा सॉल्यूट है कार्बन डाइऑक्साइड, मेरा सॉल्यूट है. ऑलराइट, तो इसमें मोलर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे निकालेंगे? तो
इसके लिए हमें एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट हमें पता होना चाहिए। तो कार्बन के लिए एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन के लिए है 16। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, फिर कार्बन इसमें एक ही है तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। उसके बाद मतलब इसमें क्या आया, 12 प्लस 16 टू 32, तो 2 प्लस 2 4 एंड 42 ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसी तरह हमें फार्मूला दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज़ करके हमें मोलर मास ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने सीखा एक फॉर्म, दो फार्मूला हमने सीखा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला था Na+Na+Nb, इसमें x मोल फ्रैक्शन बताता है एंड n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे, जिसका सिंबल है n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मैंने आपको ये समझाया कि कोई मास दिया होगा, हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो गिवन मास में वो मास रखना है और मोलर मास मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को एटॉमिक मास, ईच एटॉमिक मास को ऐड करके हम मोलर मास निकल सकते हैं। ऑलराइट, अब यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो यूनिट चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। तो इसमें ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, ऑलराइट। तो मोल मोल कैंसिल आउट, यानी कि इसमें यूनिट ऑफ एक्स ए हो जाएगा, यूनिट ऑफ लिखिए तो मोल अपॉन मोल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब जितने भी आपने सॉल्यूशन लिया था, अभी हमने ए प्लस बी कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन था ऐसे करके, तो फिर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे एक सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ऑलराइट, तो इसके हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होगा। ऑलराइट, तो मतलब इस रिलेशन से अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमें पता है, तो हम एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन को यूज़ करके हम निकल सकते हैं। ओके, तो हमें अभी तो हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स को ले रहे हैं, अगर सपोज़ मेरे पास तीन कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, ए प्लस बी प्लस सी का मेरे पास सॉल्यूशन है, तो अगेन इसके लिए भी क्या होगा, इसमें कंपोनेंट कितना है, तीन है, तो तीनों के सम मोल फ्रैक्शन, तीनों के मोल फ्रैक्शन के सम को क्या होगा, x प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 होगा। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सारे मोल फ्रैक्शन के सम को क्या इक्वल आएंगे, 1 इक्वल आएंगे। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इक्वेशन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन और यूनिट और ये फार्मूला सब आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी देखेंगे हम बच्चों, दैट इज 6th मोलैरिटी। मोलैरिटी अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, अगेन इसका बहुत केमिस्ट्री में यूज़ है, तो अगेन इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ऑलराइट, तो मोलैरिटी को अगेन सिंबल किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। एंड अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। ओके, जब मैं नेक्स्ट क्वांटिटी पढ़ाऊंगी तो इसमें कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, वो किस में होगा एक्सप्रेस किया जाएगा, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम हम यूनिट किस में एक्सप्रेस करेंगे, लीटर में। ऑलराइट, तो उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। ऑलराइट, अब मोलैरिटी इसमें हम ये चेक करते हैं कि यूनिट
क्या होगा अगेन इसको मोलैरिटी के निकलने के लिए अभी मोल फ्रैक्शन में हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे, वो सिंपल सेम है, वो लिख देती हूँ मैं एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज सेम, अभी हमने पिछले जो क्वांटिटी में हमने वो यूज़ किया था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज सेम विल बी गिवन, अब हम किसके बात कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट की बात कर रहे हैं, तो गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, ओके ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इसको आप बॉक्स में रख के आप नोट में लिख लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार यूज होने वाला है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सल्यूट, हम मोलैरिटी में क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम ओनली सल्यूट इन अ सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर की बात हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, इस फॉर्मूला से आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा और उस नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कितना होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, ऑलराइट अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे यूनिट ऑफ मोलैरिटी, अब मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा, ओके तो यूनिट जब निकलते हैं हम तो क्या चेक करते हैं, हम फॉर्मूला चेक करते हैं, ओके तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या यूनिट होते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सिंपली दे रखा है लीटर, तो इसका सिंपल यूनिट क्या होगा, मोल, अगर मैं लीटर को ऊपर ले जाऊं तो मोल पर लीटर, ये सिंपल हमारा यूनिट ऑफ मोलैरिटी है। नेक्स्ट बच्चों मोलैरिटी जब भी हमें निकालना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो हमें ये याद रखना है मोलैरिटी हमेशा रिलेटेड विथ वॉल्यूम एंड इट वॉल्यूम वी शुड ऑलवेज हैव टू एक्सप्रेस इन लीटर, बट हमें कन्फ्यूज करने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसे दे देते हैं कि वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या मिलीलीटर में देते थे, तो इसको कन्वर्ट हमें, बट हमें एक्सप्रेस लीटर में ये करना है, तो इसको हम कन्वर्ट लीटर में कैसे करें, तो उसके लिए रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन का ये है कि वन लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड, ये तो सबको आता है मिलीलीटर, ऑलराइट, सिमिलरली वन लीटर इज इक्वल टू वन डेसीमीटर क्यूब एंड वन लीटर इज इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब एंड वन लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब, तो इनमें से इन यूनिट में से कोई सभी वॉल्यूम आपको मिले, आपको ये रिलेशन सिंपली यूज़ करना, उसके बाद हम यूनिट फैक्टर मेथड यूज़ करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस में लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ सपोज 200 सेंटीमीटर क्यूब का मुझे वॉल्यूम दिया गया है, तो इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट वी हैव टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर के लिए क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें क्या निकलना है, 10^ सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच लीटर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या हमें चाहिए, किस में, लीटर में, और दिया हमें किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो हमें जो निकलना है वो दैट शुड बी ऑन न्यूमरेटर एंड जो हमें निकलना है वो डिनोमीटर भी होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यूनिट फैक्टर के अकॉर्डिंग 1 लीटर इसको नीचे ले आओ अपॉन 10^3 सेंटीमीटर क्यूब और जितना वैल्यू दिया है उसको मल्टीप्लाई करो यानी कि 250 दिया कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट और यूनिट विल बी इन लीटर यानी कि इसमें क्या हुआ 250 अपॉन 1000 लीटर यानी कि 0 0 कैंसिल मतलब 0.25 लीटर हमारा आंसर है, तो मोलैरिटी हमें निकालना हो तो लीटर में हमें चाहिए तो हमें ये यूज़ करना होगा, ओके तो इन सब को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए आप इन सब को यूनिट को दिया जाएंगे और आपको मोलैरिटी के लिए ऑलवेज हम लीटर